Hello students, I am Sarika Seth, I am your Hindi teacher. बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा दो हिंदी दो नवीन पल्लव पार्ट दस समय की पहचान अध्यापिका सारिका सेठ पार्ट वन. बच्चों, इस वीडियो में आज हम नवीन पल्लव का पार्ट दस का हम इसको रीडिंग करेंगे. आज मैं इस चैप्टर को आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी बच्चों कि इस कहानी में क्या है. तो बच्चों, हम निकालेंगे पार्ट दस. पार्ट का नाम है समय की पहचान. ये एक कहानी है. समय की पहचान इस कहानी में बच्चों क्या बताया गया है, इसमें सही समय पर सही निर्णय लेने से व्यक्ति सफल होता है. बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज या हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते. तो हमारे सफलता में विघ्न आ जाता है. हम सफलता पाने में बहुत बार सही डिसीजन ना लेने से पीछे रह जाते हैं. तो बच्चों, इस कहानी में हमें ये शिक्षा दी गई है कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए. तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे. बच्चों, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. पाठ से पहले सही समय पर सही निर्णय लेने से ही व्यक्ति सफल होता है, यही इस कहानी में बताया गया है. तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे. एक किसान बैलगाड़ी पर खाद लादकर आ रहा था. रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा. कौन था एक किसान? क्या कर रहा था? बैलगाड़ी पर खाद लादकर आ रहा था और रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा. उसने पत्थर उठाकर बैल के गले में बांध दिया. उसने वो पत्थर उठाया, बड़ा शाइनिंग थी, उसमें बड़ा चमक रहा था, तो उसने उठा के वो बैल के गले में बांध दिया. दूसरी तरफ से एक जौहरी घोड़े पर आ रहा था. कौन आ रहा था बच्चों? दूसरी तरफ से एक जौहरी. जौहरी क्या होते हैं? जो रत्न बेचने वाले होते हैं उनको हम जौहरी बोलते हैं. रत्न जो होते हैं, जो स्टोन्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो हम अंगूठी में नगीना या स्टोन्स जो हम पहनते हैं. तो दूसरी तरफ से एक जौहरी घोड़े पर आ रहा था. उसने सोचा, यह बड़ा मूर्ख है जिसने इतना कीमती पत्थर बैल के गले में बांध दिया है. यह सोचकर उसने कहा, भाई, बैल के गले में पत्थर शोभा नहीं देता. क्या कहता है जौहरी किसान को? कि बैल के गले में ये पत्थर शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, यह हमें दे दो, मैं अपने घोड़े के गले में बांधूंगा. बोलो कितने में दोगे? किसान ने सोच विचार कर कहा. ऐसे किसान ने सोचा, क्योंकि किसान को नहीं पता था इतना कीमती पत्थर है. उसने कहा, एक रुपए दे दो. जौहरी कंजूस था. जो जौहरी था, रत्न बेचने वाला जौहरी जो था, वो कंजूस था. उसने सोचा, किसान को इस पत्थर के बारे में कुछ पता तो है नहीं. वह बोला, एक रुपया ज्यादा है, आठ आने ले लो. क्या कहा उसने? कि एक रुपया ज्यादा है, आप आठ आने ले लो. किसान ने मना कर दिया. जौहरी ये सोचकर आगे चला गया कि अभी किसान बुला देगा. कई बार बच्चों हम बोलते हैं ना, किसी का हम चीज लेते हैं, कहते हैं भैया इतने ही दे दो, तो कहते हैं कि नहीं, इतने ही तो नहीं मिलेगी. हम सोचते हैं कि चले जाते हैं, क्या पता पीछे से आवाज दे दे, हमें बुला ले. तो यही सोचकर जौहरी ने कहा, शायद वो मुझे बुला ले. तो वह थोड़ी दूर ही गया था कि एक दूसरा जौहरी आ गया. जैसे वो आगे गया तो पीछे से एक दूसरा जौहरी और आ गया. उसने भी पत्थर देखा. उसने कहा, भाई, इस पत्थर को बेचोगे? क्या कहा उसने? कि भाई, इस पत्थर को बेचोगे? किसान ने सोचा, डेढ़ रुपया कहूंगा तो एक पर सौदा हो जाएगा. किसान ने भी सोचा, अगर मैं डेढ़ रुपया बोलूंगा तो एक पर एक रुपये में तो ये ले ही लेगा. उसने कहा,
₹1.5 दूंगा। जौहरी ने तुरंत ₹1.5 देकर पत्थर खरीद लिया। और वो जौहरी जो था वो बहुत स्मार्ट था, क्योंकि उसको पता था इस पत्थर की कीमत कितनी है। तो उसने क्या करा, उसको ₹1.5 दिया और वो खरीद लिया। और पहले जौहरी ने क्या करा, वो कंजूस था, उसने सोचा शायद ये मुझे बुला लेगा तो मैं ₹1 में ले लूंगा। लेकिन दूसरा वाला जौहरी स्मार्ट निकला और उसने वो ₹1.5 में ले लिया। कुछ दूर जाकर पहले वाले जौहरी ने सोचा है तो असली हीरा। तो जो पहला वाला जौहरी था उसने क्या सोचा कि है तो असली हीरा, ₹1 देकर ही खरीद लेता हूँ। पहले तो वो 8 आने बोल रहा था उसको, लेकिन फिर जब वो आगे गया तो उसने सोचा चलो ₹1 देकर ही खरीद लेता हूँ। वह वापस लौटा, पहला जौहरी था वो वापस लौट के आया तो देखा कि दूसरे किसान ने उसे खरीद लिया। जब उसने सोचा कि कोई लेगा नहीं, अभी तो कोई आ नहीं रहा, तो उसने सोचा, पहले जौहरी ने सोचा कोई लेगा नहीं, अभी कोई आ नहीं रहा है तो मैं इसको कम पैसे बोल देता हूँ। लेकिन वो खरीद चुका था। फिर जब वो दोबारा लौट के आया उसे खरीदने के लिए, ₹1 में ही खरीद लेता हूँ, तो वो दूसरे जौहरी ने ₹1.5 में खरीद लिया था। तो दूसरे जौहरी के जाने के बाद उसने किसान से कहा, जब दूसरा जौहरी ₹1.5 में खरीद के चला गया तो पहले वाला जौहरी जो लौट के आया था उसने किसान से कहा, तुम तो बड़े मूर्ख हो, हजारों का हीरा कौड़ियों के भाव में बेच दिया। उसने क्या कहा पहले वाले जौहरी ने, कि तुम बड़े मूर्ख हो, किसान को कहा कि तुमने इतना महंगा हीरा और कौड़ियों के भाव ऐसे बेच दिया, कौड़ी के बिल्कुल सस्ते में आपने बेच दिया, बहुत थोड़े में, कौड़ियों के भाव होते हैं बहुत थोड़े में। तो पहला जौहरी अपनी मूर्खता पर सिर पटकने लगा। जो पहला वाला जौहरी था वो परेशान बहुत हुआ, उसको वो अपनी मूर्खता पे कि काश मैं उसे 8 आने में ना बोलता, ₹1 में ही खरीद लेता, तो उसको बहुत सिर पटकने लगा, मतलब बहुत उसको पछतावा हुआ कि मैंने क्यों नहीं खरीदा उसे ₹1 में, और जबकि वो जानता था कि वो असली हीरा है। पीछे से एक संत आ रहे थे, उन्होंने सारी बातें सुनी और उसने कहा, संत कौन होते हैं बेटा, जो पूजा पाठ बहुत करते हैं साधु संत बोलते हैं ना जिनको, तो वो आ रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी और उससे कहा, जौहरी से कहा, जो वो पछता रहा था, कि किसान तो सीधा साधा होता है। क्या होता है, किसान बहुत सीधे साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा, उसको नहीं पता था, किसान तो बहुत सीधा था। लेकिन तुम्हें तो पता था भाई, जौहरी को तो पता था कि ये असली हीरा है, तो क्यों उन्होंने कहा कि मैं इसको 8 आने में दे दूँ, मैं 8 आने में खरीद लूँगा। तो उसने कहा, किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा। तुम तो पारथी होते हुए भी मुंह निकले, संत ने कहा कि तुम तो पारखी होते, पारखी कौन होते बेटा, परख करने वाले, जैसे किसी चीज की परख कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हम सोना चांदी आभूषण की परख करने वाले, जैसे हम किसी को दिखाते हैं, आप कोई आभूषण कुछ खरीदते हैं कि ये बताइए कि ये प्योर गोल्ड का है या नहीं है, सोने का है कि नहीं, तो परख जिस चीज़ की करने वाले, कोई जरूरी नहीं हो गोल्ड ही हो, किस भी चीज़ की परख करने वाले को हम क्या बोलते हैं, पारखी। तो उसने कहा, किसान तो सीधा साधा होता है, उसे क्या पता था कि वह पत्थर था या हीरा। तुम तो पारखी होते हुए भी महामूर्ख निकले। जो व्यक्ति सही समय पर सही सोच से तुरंत निर्णय नहीं लेता उसकी यही दशा होती है। किसने कहा था, ये संत ने कहा था। उसने कहा कि जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता उसकी यही दशा होती है। अगर पहला जौहरी उसी समय उसको ₹1 में खरीद लेता तो वो आज कितना खुश होता। लेकिन यहाँ पर क्या करा, उसका डिसीजन सही नहीं था, उसने सही निर्णय नहीं लिया था, उसने आगे चला गया, उसने सोचा शायद वो बुला लेगा तो मैं उसको 8 आने में खरीद लूंगा, उसने वहां पर पैसे बचाने चाहिए, लेकिन उसका
वहां पर वो निर्णय सही नहीं था। तो और दूसरे जुआरी ने अपना क्या करा, वो तुरंत उसको 1.5 रुपए में खरीद लिया। तो उसने सही समय पर सही निर्णय लिया और वो तो बहुत महंगी चीज, हीरा तो बहुत महंगा था। उसकी यही दिशा और दशा होती है। अब पश्चाताप करने से क्या होगा? तो अब हम पश्चाताप करें तो हमें इससे कुछ नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए और ये हमें अपने धीरे धीरे ये चीज़ें हमें, आप भी, आप बहुत छोटे हैं तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अभी से हम ये चीज़ डेवलप करेंगे, सीखना शुरू करेंगे तो हमें आगे चलकर इसका बहुत फायदे मिलते हैं। तो अब पश्चाताप करने से क्या होगा? तो जीवन मूल्य है इसका बच्चों, मूल व्यक्ति अवसर को नहीं पहचानता। जो मूल होते हैं वो अवसर को नहीं पहचान पाते। कई बार हम समझ पाते कि हमारे लिए ये अवसर अच्छा है या बुरा। तो हमें सही निर्णय लेने की पहचान होनी चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पार्ट 2 वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।